क्वेश्चन में हमें कह रखा है इन द सर्किट शोन इन द फिगर ईच कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटी ऑफ 3 माइक्रोफेरड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी बतानी है ए बी के इक्वल. तो इसमें हमें डायरेक्ट जो है सीरीज पैरेलल नहीं दिखाई दे रहे तो इसको हम एक स्पेशल मेथड से करते हैं कि हमें डायरेक्ट सीरीज पैरेलल दिखाई दे. तो इसको करने के लिए आप क्या करो पहले सभी कैपेसिटर को क्या दे दो नंबरिंग दे दो सभी कैपेसिटर को क्या दे दो नंबरिंग यानी कि एक प्लेट को इस प्लेट को वन नंबर ये वन ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट क्योंकि कैपेसिटर में क्या होती है टू प्लेट्स होती हैं तो एक प्लेट को वन फिर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से करते हैं कि सभी कैपेसिटर को क्या दे दो नंबरिंग दे दो. सेकंड ऑप्शन होगा कि एक ए पॉइंट बनाओ और बी पॉइंट और इनको क्या कर दो खींच दो ऐसे ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट. अब हमें क्या चाहिए कि ए से बी तक हमें जाना है ए से बी अगर हमें जाना है और कम से कम क्या आने चाहिए कैपेसिटर आने चाहिए ए से बी जाना है और कम से कम क्या आने चाहिए कैपेसिटर आने चाहिए. तो अगर हम ए से बी जाएं तो इस रास्ते से भी जा सकते हैं ऐसे गए ऊपर वन टू और बी तक पहुंच गए एक हम जा सकते हैं थ्री फोर सेवन एट और बी तक पहुंच गए और एक थ्री फोर फाइव सिक्स और बी तक पहुंच गए. तो कम से कम एक भी आ रहा है और फिर दो आ रहे हैं. तो इस टाइप को अगर हम जाएं वन टू बी तक पहुंच गए तो हमने लिखा वन टू वन टू और बी तक पहुंच गए वन टू और बी तक पहुंच गए ये रास्ता हमारे लिए क्या होगा ब्लॉक. अब थ्री फोर सेवन एट और बी तक पहुंच गए या फिर थ्री फोर फाइव सिक्स और बी तक पहुंच गए थ्री फोर फाइव सिक्स बी तक पहुंच गए थ्री फोर फाइव सिक्स और बी तक पहुंच गए. अब मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि जिस रास्ते से हम जा चुके उस रास्ते से दोबारा नहीं जाएंगे बट यहाँ पे वो रूल क्या करना पड़ेगा फेल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अगर हमें इस पे जाना है तो दोबारा से एक कैपेसिटर पे जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे चले जाओ थ्री फोर और फिर वापस से इसको ड्रॉ नहीं करोगे दोबारा थ्री फोर आप एक बार ड्रॉ कर चुके तो दोबारा ड्रॉ नहीं करोगे तो थ्री फोर से ऊपर तो यहाँ पर भी थ्री फोर से ऊपर जाओगे फिर ऐसे गए सेवन एट तो थ्री फोर से ऊपर यहाँ से ज्वाइन कर लो ये सेवन एट और बी तक पहुँच गए सेवन एट. तो ये क्या हो गया अब यहाँ पे प्रॉपर हमें सीरीज पैरेलल नजर आ रहे हैं ये क्या है दोनों पैरेलल में हैं ये दोनों क्या हैं पैरेलल में दे रखे हैं. तो ये थ्री इसका कैपेसिटेंस थ्री है इसका भी क्या है थ्री तो ये थ्री और थ्री क्या है पैरेलल में तो सी इफेक्टिव क्या हो जाएगा इन दोनों का सिक्स माइक्रोफेरेड. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको दोबारा अगर मैं रीड्रॉ करूँ तो ये दोनों किस में पैरेलल में तो ये 3 माइक्रोफेरेड इन दोनों का इफेक्टिव क्या आ जाएगा 6 माइक्रोफेरेड. तो यहाँ से अब ये दोनों किस में है सीरीज में 3 और 4 6 किस में है सीरीज में तो इनका सी इफेक्टिव क्या आ जाएगा 1/C इफेक्टिव 1/3 + 1/6 इसको 3 × 6 ऊपर आ जाए 6 + 3 तो 1/C इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 9/18 तो सी इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी 18/6 3 माइक्रोफेरेड. इन दोनों का इफेक्टिव क्या आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड. तो इसको दोबारा से आप रीड्रॉ कर सकते हो ये 3 इनका इफेक्टिव भी क्या है 3. अब 3 और 3 किस में है पैरेलल में तो इनका जो फाइनल आंसर आएगा सी इफेक्टिव क्या आ जाएगा 6 माइक्रोफेरेड. तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 6 माइक्रोफेरेड तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन.